अस्सलाम वालेकुम। ये हम इन्फिनिक्स की आईसी को चेंज करने जा रहे हैं, ग्राफिक्स आईसी। इस मोबाइल में इशू ये है कि लाइट आ रही है लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रही है। तो हमने इसकी आईसी को प्रीवियस वीडियो में अपनी सारी आईसी को निकाल चुके हैं, सफाई वगैरह कर चुके थे। तो अभी हम ये पेस्टिंग कर चुके हैं, हमने पेस्टिंग के बाद वीडियो बनाई है क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप जो है वो चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से हमने ये आईसी लगा ली है। अच्छा, इसमें आईसी जो है वो LUB वाली आईसी लग जाएगी, आपके अंदर से जो आईसी निकलेगी वो जो मैंने फ्रंट पे पहले इस पिक्चर भी लगाई है वो आईसी अगर आप निकालते हैं उसकी जगह पे ये आप LUB वाली आईसी जो मैं मार्केट में हमेशा आराम से अवेलेबल मिल जाएगी आपको। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम आपको अरेंज करवा के देंगे ये आईसी। इस आईसी से आपका मसला जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये आपकी प्रीवियस आईसी जो इसकी निकाली है वो है, और जो इसमें आईसी लगाई है वो LUB वाली है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ कि ये आईसी के बाद जो है वो पीस डिस्प्ले देना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पूरी वीडियो। ये मैं जैसे आपको दिखा रहा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्प्ले आ गया है इसका। आगे मैं आपको वीडियो में भी दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले आ गया है। ये मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ अपना, ये कैमरा मैंने सेट कर लिया है। इसको चार्ज पर लगाते हैं, ये मैं चार्ज पर लगाया है। अभी आप देखिएगा इसके ऊपर लाइट आ गई है चार्जिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डिस्प्ले चार्जिंग का दे रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज भी कर रहा है, ऑन भी हो रहा है और चल भी रहा है। बिल्कुल परफेक्ट मोबाइल है, ये 0% पे है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया है मोबाइल हमारा। इसकी ग्राफिक्स आईसी चेंज करें जब भी आपके पास ये कोई मसला आए जिसमें डिस्प्ले लाइट आ रही हो, डिस्प्ले ना आ रहा हो। इन्फिनिक्स का तकरीबन इन्फिनिक्स के मॉडल में यही मसला आया है। इसकी प्रीवियस वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें मैंने पहले आईसी उतारी है और सब कुछ बताया है, तो आप ये देख सकते हैं दूसरी प्रीवियस वीडियो को। ये देखें, ये चार्ज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी मज़ीद मालूमात करनी हो तो कॉल कर लें। जज़ाकअल्लाह।